नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। भारत में अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी रॉकेट और सैटेलाइट, इसरो के मिशन में हो सकती है शामिल। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि आंतरिक क्षेत्र में भारत में बड़ा सुधार करते हुए निजी क्षेत्र को अब रॉकेट एवं उपग्रह बनाने और प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को दी जाएगी अनुमति। कोरोना से रोकथाम के लिए रेलवे की पहल, अब स्टॉलों पर मिलेंगी वायरस से बचाव संबंधी जरूरी चीजें। लव बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार आमतौर पर निजी ठेकेदारों के स्टॉल पर ज्यादातर यात्रियों की जरूरत की चीजें जैसे संसाधन सामग्री, किताबें, दवाएं और खाने पीने के पैकेट उपलब्ध होते हैं, लेकिन अब ये स्टॉल यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने वाली सभी जरूरी चीजें भी बेच सकेंगे। देश में पिछले 20 दिनों से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वार। प्रियंका बोली, भाजपा सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बात साफ कर दी है कि भाजपा को इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। तेल का खेल, इंडियन ऑयल को 4 साल में पहली बार हुआ घाटा। मार्च तिमाही में भारी नुकसान। महंगा कच्चा तेल खरीदने और देश में लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम की मांग में भारी गिरावट आने से कंपनी को मार्च तिमाही में 5,185 करोड़ रुपए के भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि मार्च तिमाही में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 65.6% की गिरावट आई। झमाझम बारिश के साथ दिल्ली पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने चंडीगढ़ में बताया कि मानसून पंजाब के उत्तरी हिस्सों की तरफ भी आगे बढ़ा है और इस वजह से बारिश हुई और तापमान में गिरावट हुई। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बारिश हुई। सामान्य तौर पर पंजाब और हरियाणा में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में आता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी से उपजी समस्याओं के चलते अगले 12 महीने में 5 या 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8,81,000 बच्चे मर सकते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मौतें भारत पाकिस्तान में होने की आशंका है। बतौर रिपोर्ट, कोविड-19 के कारण अगले 6 महीने में 12 करोड़ अतिरिक्त बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रेवियसिस ने कहा है कि दुनिया में कई देशों को ऑक्सीजन यंत्र मिलने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि WHO ने कई निर्माताओं से 14,000 ऑक्सीजन संकेंद्रक खरीदे और उन्हें आगामी हफ्तों में 120 देशों में भेजे जाने की योजना है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना के लगभग 95 लाख मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के हिंसक टकराव को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि दोनों को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। चीन के साथ गलवान घाटी में तनावपूर्ण स्थिति के बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन को अगर शांति और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो दोनों राष्ट्रों के बीच पूर्व में किए गए समझौतों का सम्मान करना होगा। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और 15 जून की हिंसक झड़प भी इसी का परिणाम थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के खतरे से निपटने के लिए होगी अमेरिकी सेना की तैनाती। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का ऐलान। पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम में अपने एक वर्चुअल संबोधन के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही। पोम्पियो की टिप्पणी भारत और चीन के बीच जारी तनाव के संदर्भ में बेहद अहम है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।